ऐसा लगता है आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तभी तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। ऐसा लगता है मैं सही हूँ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए कि आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत ऐसा लगता से होती है, उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ और सिंपल और इजी से रूल्स जिनसे आप हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, माय नेम इज त्रिलेखा, यू आर वॉचिंग लॉट टू लर्न, लेट्स मेक लर्निंग अ सेलिब्रेशन फॉर लाइफ। तो जब किसी हिंदी के सेंटेंसेस की शुरुआत ऐसा लगता है, ऐसा लगता था और ऐसा लगेगा से हो, तब हम उसका ट्रांसलेशन करते समय ऐसा लगता है के लिए इट अपीयर्स, ऐसा लगता था के लिए इट अपीयर्ड, और ऐसा लगेगा के लिए इट विल अपीयर लिखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाकर बाकी का सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट। ऐसा लगता है आप थके हुए हैं। इस सेंटेंस में ऐसा लगता है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम इट अपीयर्स लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे यू आर टायर्ड। ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। यहां अगेन इट अपीयर्स लगेगा, कॉमा लगेगा, और मैंने आपको देखा है, मैंने आपको कहीं देखा है का ट्रांसलेशन आई हैव सीन यू समवेयर। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कॉमा के बाद जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के हैं, उन्हें ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो आप इस लिंक पर जाकर मेरे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं। ऐसा लगता था वह नहीं आएगा। यहां ये पास्ट टेंस है, ऐसा लगता था, इसका ट्रांसलेशन करते वक्त हम इट अपीयर्ड लिखेंगे। वह नहीं, वो नहीं आएगा, ही वुड नॉट कम। ऐसा लगता था बारिश नहीं होगी। इट अपीयर्ड इट वुड नॉट रेन। अब हम कुछ फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को देखते हैं। ऐसा लगेगा कि तुम जमीन से ऊपर हो। इट विल अपीयर यू आर अबव द ग्राउंड। ऐसा लगेगा कि किसी फिल्म स्टार की शादी हो रही है। इट विल अपीयर सम फिल्म स्टार इज गेटिंग मैरिड। अब नेक्स्ट रूल इज वेरी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव। पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वहां मत जाओ, इसे मत छुओ, मुझे दुखी मत करो, फूल मत तोड़ो। इन सभी एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है और वो है मत। जिन हिंदी के वाक्यों में मत आ जाए, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त हम डू नॉट से शुरुआत करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वहां मत जाओ का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डू नॉट गो देयर। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर। इसे मत छुओ, डू नॉट टच इट। मुझे दुखी मत करो, डू नॉट हर्ट मी। फूल मत तोड़ो, डू नॉट प्लग द फ्लावर। तो है ना ये रूल बहुत ही सिंपल। सम ऑफ यू माइट हैव लर्नड ऑल दीज बिफोर, बट वी डू नॉट यूज इट इन अवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। So I have tried to compile it in a single video so that you can start using it while speaking in English. Do let me know your views, and if you like this video, do not forget to give a thumbs up. और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट जरूर करें। Thanks for watching.